भारत और चीन के बीच होगी ऐतिहासिक टक्कर। चीन के इतिहास के सबसे बड़े महाविनाशक हथियार को सबसे बड़ी टक्कर देने वाला है भारत का नया हथियार। चीन ही नहीं, पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लेगा ये योद्धा। दोस्तों, भारत और चीन के बीच कई मोर्चों पर महाटक्कर चल रही है। एक तरफ दोनों देश स्पेस पावर बनने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। खुद चीन जहां अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने के लिए दनादन सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत भी स्पेस में ऐसे ऐसे मिशन कर रहा है और उसमें ऐसे ऐसे दमदार रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है जो आज तक न तो नासा बना पाया है और न ही चीन। दोस्तों, इस बीच भारत सैन्य हथियारों पर भी काम कर रहा है। और दोस्तों, इस बीच अब भारत और चीन के बीच सबसे नए और खतरनाक हथियारों, उनकी तकनीक और महाप्रयोग पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम आपको भारत और चीन के उन दो महाविनाशक हथियारों की जानकारी देंगे जो जिसने पहले बनाया वो भी सुपर पावर कहलाएगा। हालांकि चीन के हथियार से कई गुना पावरफुल हथियार बना रहा है भारत। भारत के हथियार के सामने यूं मान लीजिए तिनके के बराबर हैं चीन के ये हथियार। फिर भी हम आपको इन दोनों हथियारों की जानकारी दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि भारत इस हथियार को बना लेने के बाद भारत चीन से कितना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, ये सब बताएंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा आखिर तक। हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद चीन का नया कांड। चीन बना रहा है हाइपरसोनिक गोली, किया अनोखा प्रयोग। दोस्तों, सबसे पहले चीन की बात कर लीजिए, उसके बाद बताएंगे भारत क्या नया हथियार इजाद कर रहा है। दरअसल दोस्तों, चीन ने आवाज से 5 गुना ज्यादा स्पीड यानी हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाले मिसाइल और इंजन के निर्माण में खुद को लगा रखा है। लेकिन अब हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद अब चीन के दिमाग में नया कीड़ा जगा है। अपने हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट के आकार को चीन ने छोटा करने का फैसला किया है। चीन अब हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाली गोली बना रहा है और हाल ही में चीन ने इसका टेस्ट भी किया है। चीन ने हाल ही में इस तरह की गोली के प्रोटोटाइप का टेस्ट जिंदा टारगेट पर किया है। चीन के वैज्ञानिकों ने हाल ही में 11 मैक की स्पीड से फायर होने वाली 5 mm स्टील प्रोजेक्टाइल को जीवित सुअरों पर फायर किया। हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाली ये गोली 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड में फायर होती है। इन गोलियों से उसी तरह का घाव बना जैसे किसी उल्का पिंड के धरती पर गिरने से गड्ढा बनता है। टक्कर से गोली और मांस दोनों ही तरल में बदल जाते हैं। दोस्तों, इस तरह के हथियार को बनाना हालांकि बहुत चुनौतीपूर्ण है, फिलहाल चीन इस पर काम कर रहा है और इसे और भी ज्यादा खूंखार बनाने पर काम कर रहा है, क्योंकि चीन का विचार है कि इसे वो रेल गन के साथ इस्तेमाल करेगा। दरअसल पारंपरिक हथियारों में गोली को गन पाउडर से फायर किया जाता है, लेकिन रेल गन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के जरिए चलाया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, भारत जिस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाला है वो तो पूरी दुनिया के होश उड़ा देने के लिए काफी है, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है कि चीन भारत अमेरिका जैसे देशों के मुकाबले के लिए आने वाले 5 से 7 सालों में अपने परमाणु मिसाइलों को बढ़ाकर 1500 करने वाला है, जो काफी ज्यादा चिंता वाली बात है। और इसकी काट के लिए भारत एक ऐसे महाप्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो किसी के भी होश उड़ा देगा। दरअसल दोस्तों, इस महाप्रोजेक्ट का नाम है थर्मोन्यूक्लियर बम, जो धरती पर प्रलय ला सकते हैं। थर्मोन्यूक्लियर बम को हाइड्रोजन बम या एच बम भी कहा जाता है। ये सामान्य परमाणु बम की तुलना में बेहद शक्तिशाली होते हैं। हाइड्रोजन बम के केंद्र में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को कंप्रेस कर गर्म किया जाता है, जिससे हाइड्रोजन बनता है। इससे न्यूट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और यूरेनियम की परत इस विस्फोटक श्रृंखला के चारों ओर एक घेरा बना लेते हैं, जिससे सामान्य परमाणु बम की अपेक्षा अधिक विनाशकारी विस्फोट पैदा होता है। भारत शुरू करने वाला है ऐतिहासिक प्रोजेक्ट, थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब बना देगा भारत को और भी घातक।
दोस्तों दरअसल चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है और चीन से निपटने के लिए अब भारत को थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब की आवश्यकता है। अमेरिका के एक थिंक टैंक की ओर से कहा गया है कि शांति की स्थापना के लिए भारत को थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट करना ही होगा। ये प्रोजेक्ट बहुत ही सीक्रेट तरीके से पूरा होने वाला है क्योंकि ये प्रोजेक्ट पूरी धरती को समाप्त करने के लिए काफी है। दोस्तों एक थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब के विस्फोट उसी तरह काम करता है जैसे हमारे सूर्य की ऊर्जा काम करती है। ये पारंपरिक परमाणु बम से सैकड़ों गुना ताकतवर होते हैं। एक थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब के धमाके से रोशनी, गर्मी और कई तरह के रेडिएशन निकलते हैं। इस धमाके से एक शॉक वेव भी निकलती है जो धमाके की जगह से कई किलोमीटर दूर तक हाइपरसोनिक स्पीड से जाता है। इसकी चपेट में आने वाली हर बिल्डिंग तबाह हो जाती है। थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब से निकलने वाली रोशनी को अगर कई दर्जन किलोमीटर दूर से देखा जाए तो भी हमेशा के लिए अंधापन आ सकता है। बॉम्ब से निकलने वाली भीषण गर्मी के कारण इसके चपेट में आने वाली हर चीज जल जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे आग का तूफान आया हो। बॉम्ब से निकलने वाली न्यूक्लियर फॉलआउट हवा, पानी और मिट्टी को दूषित कर देगा और दुनिया भर में फैल जाएगी। हाइड्रोजन और एटम बम में क्या है फर्क? दोस्तों इस समय दुनिया के कुछ ही देशों के पास हाइड्रोजन बम है। ये देश है रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत और नॉर्थ कोरिया। अब आपको ये समझना चाहिए कि एक हाइड्रोजन और एक एटम बम में क्या फर्क होता है। ये दोनों ही परमाणु हथियार हैं। दोनों में ही यूरेनियम या प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है। एटम बम की टेक्नोलॉजी को फिजन कहा जाता है, यानी जब किसी एटम बम में विस्फोट होता है तो अणु दो हिस्सों में टूटने लगते हैं और इससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। जबकि हाइड्रोजन बॉम्ब की टेक्नोलॉजी को फ्यूजन कहते हैं। इसमें अणु टूटते नहीं है बल्कि दो अणुओं के टकराने से एक तीसरा अणु पैदा होता है। इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है जो आग की शक्ल में तबाही लाती है। दोस्तों अब भारत इसे और भी घातक बनाने की कोशिश में है और इसके लिए अमेरिका से भारत को ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। हालांकि दोस्तों आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत को इस बॉम्ब पर काम जल्द ही कर देना चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।